हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन भाई, ये डोर पे कौन आ गया? रुको, चेक करता हूँ कौन है यार। अबे भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे भाई, ये देख, इधर आ भाई, जल्दी मेरे पीछे आ। भाई जल्दी से मेरे पीछे आ, मेरी बात सुन यार। ये देख, यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है, विलेजर का एंड हमारे दोस्त का। क्या मर्डर हो चुका है? लेकिन भाई, ये सब कैसे हुआ और ये सब करने वाला कौन है? भाई पता नहीं, मैं तो अभी तेरे घर पे आ रहा था, मैंने तभी देखा यहाँ पर दो लोग मरे पड़े हैं, एक विलेजर एंड दूसरा हमारा दोस्त चिंटू। हाँ यार, वो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? हमारे वर्ल्ड में ऐसा कौन आ चुका है जो कि ये सारे के सारे लोगों को मार रहा है? लेकिन टीवी के अंदर एक न्यूज आ रही है, चलो देखते हैं। हाँ अबे, ये कौन है? ये तो द सोनिक ट्रैप है, यानी कि इसका नाम द सोनिक टैप है। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन क्या इसने इन सभी लोगों को मारा है? भाई पता नहीं कौन है द सोनिक टैप। ओ माय गॉड, भाई जल्दी से घर के अंदर आ जा, मुझे तो बहुत डर लग। ये लोग तो आ चुके हैं भाई, घर के बाहर देख। ओ माय गॉड, ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? इतने सारे द सोनिक टैप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओ माय गॉड, भाई जल्दी यहाँ से निकल ले, बहुत सारे बाहर खड़े हुए हैं, वो हमें जान से मार देंगे। भाई ये लोग कितने खतरनाक हैं यार, मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। ये लोग हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। ओबे यार, अब हम लोग क्या करें? हम लोग अपने बेसमेंट में आ गए एंड बहुत सेफ फील कर रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, हम लोग अपनी बेसमेंट में आ चुके हैं, लेकिन चलो बाहर चेक करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। अबे हाँ, ये तो हमारे विलेज में आ चुके हैं और हमारे विलेज में आने के बाद वहाँ पे तबाही मचा रहे हैं। अबे भाई तबाही नहीं, मुझे लग रहा है इनको भूख लगी है। ये कितने खतरनाक हैं, इनका मुंह देख भाई, पूरा खुला हुआ है। ये लोग तो एक ही बार में किसी को भी खा सकते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कितने ज्यादा स्कैरी और कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मैंने इतने खतरनाक इंसान पहले कभी नहीं देखे। सॉरी, ये तो इंसान नहीं है ना, ये तो मॉन्स्टर्स हैं। हाँ एंड ये तो विलेजर को खा रहे हैं भाई, वो देख, विलेजर अपने घर के बाहर आ गया, उसको छोड़ दो। अभी भाई तूने देखा कि वो कितने ज्यादा खतरनाक थे, उन्होंने हमारे विलेजर्स को खा लिया है। लेकिन ये क्या, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नो, हाँ अबे भाई, ये हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं? जरा देख तो एक बार, इतने सारे सोनिक टैप हमारे सामने खड़े हैं। हाँ भाई मैं देख रहा हूँ इनको, ये पिंक वाला तो मेरे अंदर ही घुसा जा रहा है। अबे यार इतने सारे हैं, अच्छा हुआ ये लोग ट्रैप हैं, वरना ये सब मिलके हमें खा जाते। हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन भाई पता है, इन लोगों ने हमें यहाँ पे ट्रैप कर दिया है ताकि हम लोग यहाँ से बाहर कभी ना निकल पाए। हाँ भाई, और यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता भी तो नहीं है यार, अब हम लोग क्या करें? वेट भाई, ये लोग कितनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रहे हैं। सच में ये बहुत ही डरावने हैं। मेरा नाम है सोनिक, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है सोनिक, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोनिक तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को भगाकर मानूंगा यहाँ से। जब तक मैं तेरे को मारूंगा नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तूने मेरे को बहुत परेशान किया है यार, मेरे को ना तेरी शक्ल पसंद नहीं है, यहाँ से निकल जा। हाँ ये डरावना इतना है भाई, लेकिन हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन कैसे? वेट, यहाँ पर तो बहुत सारे लीवर्स लगे हुए हैं, चलो इनको दबा के देखते हैं, इनसे कुछ होता है तो यहाँ से निकल सकते हैं भाई हम लोग। हाँ तू सही कह, लेकिन नहीं भाई, वो लीवर्स किसी काम के नहीं है, उन्हें मत कर यूज, वो फालतू काम। लेकिन मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। अबे यार ये तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अबे यार तो हम लोग क्या करें भाई, तू ही कुछ बता, हम लोग यहाँ से कैसे निकलें? अबे मुझे नहीं पता हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता। हाँ वेट भाई, यहाँ पर तो डोर ओपन हो चुका है, ये देख। वाओ, अरे वाह भाई, यहाँ पर डोर ओपन हो चुका है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अरे वाह भाई,
मजा आ गया। अबे यहाँ तो बारिश हो रही है, जल्दी से घर के अंदर चल भाई, घर के अंदर चल। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ फटाफट भागो घर के अंदर, लेट्स गो। ये हम लोग अपने घर में आ चुके हैं और यहाँ पे काफी मजा आ रहा है यार। ओ नो अबे शेक, अबे ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अबे ये सोनिक मेरे घर में कैसे आ गए? मारो इन्हें। अबे शेट, ये लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है सोनिक, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे सोनिक के बच्चे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे यार पता नहीं ये लोग मेरे घर के अंदर कैसे आ गए। ये लोग मेरे घर के अंदर आए चुपके से और मुझे इनके बारे में मालूम ही नहीं पड़ा ये लोग कब आ गए। लेकिन एक मिनट रुक जाओ गाइस, मेरे को कुछ चेक करना पड़ेगा। गाइस मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा भाई कहाँ गायब हो गया, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है और वो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ना कि सोनिक ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है। सो गाइस मुझे चेक करना पड़ेगा कैमरे के अंदर कि कहीं मेरा भाई नीचे तो नहीं है, मेरे भाई को उन लोगों ने बंदी बना तो नहीं लिया है। तो चलो फटाफट चेक करते हैं गाइस कि मेरा भाई नीचे है या फिर नहीं। Let's go, check it out. हमारा नाम है सोनिक और हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। हमारा नाम है सोनिक और हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये बच्चा हमारे हाथ लगाए ना, इसको जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस गाइस अब बहुत हो चुका, मेरे को अपने भाई को बचाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, मैं अपने भाई को कैसे बचाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन टाइम आ चुका है इसको बचाने का। सो मैं जा रहा हूँ अपने भाई को बचाने के लिए सामने घर में। लेकिन मैं ऐसे तो जा नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं करने वाला हूँ ड्रिल और मैं ड्रिल मशीन करके जाने वाला हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। मुझे पता है कि ये काम काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन जब तक मैं ये काम करूँगा नहीं मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अपने भाई को बचाने के लिए ड्रिल मशीन से बहुत मेहनत करके। सो गाइस आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई को बचा पाऊँगा या फिर नहीं? आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि मैं अपने भाई को सेफली अपने घर पे वापस लेके आऊँ। अगर मैं उसको नहीं बचा पाया ना तो मैं उसका दोस्त नहीं हो पाऊँगा। यहाँ पर तो लावा है भाई। अरे वाह, मैं आ चुका हूँ अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पर। सो गाइस देखो येरा भाई सामने खड़ा हुआ है। हेलो हेलो भाई, मैं तेरे को बचाने के लिए आ चुका हूँ। हाँ हेलो हेलो, क्या तू मेरे को सुन सकता है? अभी भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वाह यार, यार उन सोनिक ने मेरे को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या है, सीक्रेट बेसमेंट तू ये बना के आया है क्या? यस ब्रो, मैं बहुत ही मेहनत करके तेरे को बचाने के लिए आया हूँ। चल हम लोग फटाफट यहाँ से भाग लेते हैं। अबे शिट, ये सोनिक दोबारा हमारे पीछे पड़ गए, इन्होंने हमें देख लिया। जल्दी भाग यहाँ से। अबे ओ नो, ओ माय गॉड, जल्दी भाग भाई, जल्दी भाग। ओ माय गॉड, ये सोनिक तो यहाँ पर आ चुके हैं, जल्दी भागो यहाँ से। ये सोनिक तो हमारे पीछे आ रहे हैं भाई, ये सोनिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। मेरा नाम है सोनिक और मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। मेरा नाम है सोनिक और मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। रुक जाओ, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ। अबे भाई हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये सोनिक तो हमारे डोर के बाहर ही खड़े हैं। लेकिन फिर हम लोग क्या करें इनसे बचने के लिए? भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस वेट करना पड़ेगा। चलो ऊपर से देखते हैं। ओके ये लोग गए हैं नहीं गए? ओके ओबे यार ये कितने खतरनाक हैं, एंड ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई। पता नहीं ये लोग कब जाएंगे यहाँ से। अबे सोनिक के बच्चों, तुम लोग यहाँ से कब जाओगे, प्लीज मेरे को बताओ। तुम लोगों ने मेरे को बहुत परेशान करा है, प्लीज सोनिक यहाँ से चले जाओ, प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। भाई फिर से बारिश होने लगी, बारिश शुरू हो चुकी है। ओ माय गॉड गाइस, देखो सुबह हो चुकी है लेकिन ये सोनिक यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगे। अबे प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा नीचे आके। यहाँ से चले जाओ सुपर सोनिक। हाँ भाई ये लोग कहीं जा रहे हैं, ये देख
अबे ये लोग जा रहे हैं इतनी देर के बाद, लेकिन इनका दिमाग इतनी जल्दी कैसे घूम सकता है? भाई मुझे लगता है ये लोग मेरे से डर गए इसलिए ये लोग जा रहे हैं। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, हम लोग जा रहे हैं अपनी मर्जी से, हम लोग वापस जरूर आएंगे। अबे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग वापस जरूर आएंगे लेकिन क्यों? सो गाइस ये देखो मेरे भाई को कर लिया किडनैप स्कैरी स्पॉन्ज ने और पता नहीं वो उसको छोड़ेगा नहीं कभी। बचाओ बचाओ कोई प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे इस स्पॉन्ज से बचा लो, मुझे कोई बचा लो। भाई तू चिंता मत कर मैं तेरे को बचा लूंगा, भाई चिंता मत कर प्लीज, मेरे को पता है ये स्पॉन्ज बहुत ही खतरनाक है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे यार गाइस ये क्या हो गया, आप लोगों ने देखा स्कैरी स्पॉन्ज ने मेरे भाई को बना लिया है बंदी और वो नीचे उसको इतना मार रहा है मतलब वो उसको सिर्फ मारे जा रहा है और मेरा भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। गाइस चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए बट मेरे को अपने भाई को बचाना पड़ेगा। वो देखो सामने जो घर है ना उसी के अंदर स्पॉन्ज है और उसी के अंदर मेरा भाई है जो कि वहाँ पे बंद है, लेकिन मेरे को आज अपने भाई को बचाना है इसीलिए मैं आ चुका हूँ गन लेकर उस स्पॉन्ज को मारने के लिए। लेकिन क्या मैं उसे मार पाऊँगा या फिर नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता। वो देखो सामने खड़ा है स्पॉन्ज और उसके बहुत सारे दोस्त, मेरे को इन सभी को मारना है लेकिन कैसे ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं मारूंगा तो मारूंगा कैसे भाई, मेरा भाई इसी घर के अंदर है, वो देखो वो रहा दोस्तों, वो देखो वो रहा मेरा भाई। हेलो भाई मैं तेरे को बचाने आ रहा हूँ। हाँ अभी कहाँ चला गया यार इतना खतरनाक स्पॉन्ज, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इससे भाई। लेकिन फिर मैं इतने खतरनाक स्पॉन्ज से अपने भाई को बचाऊंगा तो बचाऊंगा कैसे? तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। अबे भाई ये स्कैरी स्पॉन्ज क्या बोल रहा है, ओ माय गॉड ये स्पॉन्ज क्या बोल रहा है मेरे भाई। अबे यार इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक है और ये कुछ भी कर सकता है। शिट यार बट यार मैं क्या करूं, मेरे को कुछ करना पड़ेगा अपने भाई को बचाने के लिए। सो गाइस मेरे दिमाग में बहुत ही मस्त आइडिया आ रहा है और मैं उस आइडिया को ना अप्लाई करने वाला हूं। सो गाइस क्या आपको पता मैं क्या करने वाला हूं? सो गाइस आज मैं एक ऐसा सूट बनाने वाला हूं ना जिसको पहनने के बाद मैं वहां पे आराम से जा पाऊंगा और वहां मेरे को ना कोई देख भी नहीं पाएगा और मेरे को कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। सो इसीलिए मैंने ये खतरनाक सा सूट बनाया है एंड उसको मतलब वेट यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है भाई। अबे यहाँ तो बहुत सारी सिक्योरिटी है और इतनी सिक्योरिटी में काफी मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओह नो इन लोगों ने मेरे को देख लिया है, भागो यहाँ से, मेरा प्लान तो फेल हो गया, जल्दी भागो। अब क्या करूँ क्या करूँ। पिछली बार तो मेरा प्लान फेल हो गया लेकिन इस बार मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। आज किसी को भी आने दो, जो भी आज हमारे घर में आएगा वो उसकी हम लोग बलि चढ़ाएंगे और उसे जान से मार देंगे। शिट यार इस बार तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा सामने से, सामने बहुत सारे स्पॉन्ज ऊपर खड़े हुए हैं मेरे को देख रहे हैं, अगर मैं सामने जाऊंगा ना तो वो मेरे को जान से मार देंगे, इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया है और वो है ड्रिल मशीन से। सो ड्रिल मशीन से जाने का टाइम आ चुका है गाइज, सो चलो ड्रिल मशीन से चलते हैं और हम लोग जाने वाले हैं ड्रिल मशीन से छेद करते हुए जमीन के अंदर, लेट्स गो। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने भाई को बचाने के लिए, बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं, उसके बाद अपने भाई को बचा लेंगे। ओ ओ शिट गाइस ये मैं कहां पर आ गया, मैं ऊपर से बहुत तेजी में गिरा हूं और पता नहीं मैं कहां पर। हाँ लेकिन भाई तू भी यहां पर क्या कर रहा है? अबे भाई मेरे को भी ट्रैप कर दिया है, तू यहां पे क्या कर रहा है? भाई तुझे भी ट्रैप कर दिया क्या? यस ब्रो मेरे को बंद कर दिया यहाँ पर लाकर, मैं तो ऊपर से गिरा, मेरे को स्पॉन्ज ने ये पता नहीं
नीचे तो कौन है भाई, नीचे तो बहुत सारे लोग हैं। अबे शिट मैन, और ये यहाँ पर ये विलेजर क्या कर रहा है? पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है इसकी बलि चढ़ने वाली है, क्योंकि नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं एंड ऊपर विलेजर। लेकिन वेट भाई, वो देख स्कैरी स्पॉन्ज, एंड मुझे लग रहा है ओ नो, इसने तो विलेजर को नीचे गिरा दिया एंड बेचारे विलेजर को सब ओ माई गॉड क्या ओ नो, उन लोगों ने उसे मार दिया विलेजर को। लेकिन अब क्या होने वाला है? अबे यार पता नहीं अब क्या होने वाला है, अबे उसकी हालत बहुत ही वेट, वो स्पॉन जा रहा है वापस, इसका मतलब इसके बाद हमारी बारी है, ये लोग हमें ऐसे ही मारने वाले हैं। हाँ भाई, इसके बाद हमारी बारी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं हम लोग तो निकल ले, वरना भाई हम लोग बाद में नहीं निकल पाएंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन निकलू तो निकलू कहाँ, मेरे को रास्ता वास्ता नहीं पता है ना। भाई मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन तुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा कैसे भी करके, इसलिए भाई तू अपना दिमाग लगा। अबे दिमाग कहाँ से लगाऊं, दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं ना। अरे हाँ वो तो मैं भूल गया, लेकिन भाई मेरे पास तो दिमाग है, मैं तेरे को जैसे जैसा बता रहा हूँ तेरे को एकदम वैसा ही करना है। भाई देख तेरे पास एक बेड होगा, तू उसको अपने डोर के पास रख एंड ऊपर जो ग्रास लगी हुई है ना उसके जरिए तू चढ़ सकता है। हाँ शायद तू सही कह रहा है, रुक जा मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता ये काम कर जाए, अगर ये काम कर गया ना भाई तो तेरे मुंह में भाई घी शक्कर। चल भाई ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए, भाई तू ट्राई कर एंड एकदम आराम से करना इसको। अबे भाई काम कर गया सच में, मैं तो बाहर आ चुका हूँ, वाह अरे वाह, मैं तो यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, तेरे को भी बाहर निकालता हूँ, हम दोनों यहाँ से बाहर आ चुके हैं भाई। भाई मैंने कहा था ना कि तू बाहर आ जाएगा एंड मैं भी बाहर आ गया। अरे वाह भाई, अब हम लोग स्पॉन से बच गए, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन ये डोर कैसा है, ये क्या है? अबे ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और हमें इस चैलेंज को पार करना पड़ेगा। हाँ भाई ये तो एक पॉरकर है एंड हमें इस पॉरकर को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम लोग घर पे जा सकते हैं, वरना हम लोग घर पे नहीं जा पाएंगे। यस ब्रो, लेकिन इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें इसको आराम से पार करना है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ ठीक है भाई, मैं तो एकदम आराम से कर रहा हूँ, तेरा ओबे तूने तो पार भी कर लिया, भाई मेरे लिए रुक जा, एंड ये लास्ट जंप है और मैंने भी पार कर लिया है इसको। यस मजा आ गया, लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एक और चैलेंज है, फ्रेश मीट, बट व्हाट डस इट मीन ब्रो? रुको भाई, हमें इस डोर को ओपन करना पड़ेगा एंड ओपन करने के बाद हमें सब कुछ पता लगने वाला है कि इसके पीछे क्या है, आखिरकार इसके पीछे ऐसा क्या है भाई। सो चलो इसको ओपन करते हैं, लेकिन ये ओपन कैसे होगा? भाई वही तो नहीं पता ये ओपन कैसे होने वाला है, ये ओपन, अबे ये तो ओपन हो चुका है इजीली, हमारा बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है, हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो तीन रास्ते हैं, हम लोग कौन से रास्ते से पहुंचेंगे अपने घर पे? अरे वही तो नहीं पता है कहाँ से जाएंगे यार, अबे शिट यार कहाँ से जाएं, कहाँ से यार कुछ पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा रास्ता कौन है। ओ वेट, अबे भाई ये रहा स्पॉन्ज और उसके सारे के सारे दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोग तो यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, भागो यहाँ से वरना ये लोग हमें जान से मार देंगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यहाँ पर, और तुम लोग आ गए, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और तुम लोग बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे भाई ये क्या बोल रहा है, पागल हो चुका है क्या? लेकिन भाई ये देख, हमें मिल चुका है डायमंड और गोल्ड का आर्मर, चलो इसे पहन लेते हैं, बहुत ही काम आने वाला है ये। एंड भाई हमें शॉर्ट भी मिल चुकी है साथ में, सो अब टाइम आ चुका है फाइटिंग का, लेट्स गो, अब हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, स्कैरी स्पॉन्ज अब तू नहीं बचेगा, लेकिन भाग कहाँ रहा है, ये ले अबे ये ले स्पॉन्ज, ये ले मेरी मार खा, ये ले मेरी सॉर्ड का हथियार, ये ले निकल यहाँ से, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू बचेगा नहीं, ये ले, अबे तू भी ले जॉम्बी, निकल।
अरे वाह भाई, हम लोगों ने फाइनली इसको मार दिया है। बड़ा मजा आ रहा है इसको मारने के बाद। हाँ भाई, हमने सबको मार दिया, लेकिन भाई हम तो अपने घर पे जा रहे थे ना, और हमारा घर यहाँ पे नहीं है, और बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। अबे हाँ, लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकलेंगे ना तो हम लोग इसके अंदर जिंदा कैसे रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, मेरे को कुछ भी नहीं पता। भाई तू ही बता, हम लोग बाहर कैसे निकलें। अबे यार पता नहीं कैसे निकलें। अबे ये देख भाई, यहाँ पे डोर खुल चुका है। वाओ। हाँ भाई, यहाँ पे तो डोर था, एंड ये एक सीक्रेट डोर था, लेकिन ये लोकेशन कौन सी है। अबे यार, अरे ये तो एक कोई अजीब सा मेरे को फील्ड लग रहा है। वाओ, ये हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, मेरे को भी नहीं पता इसके बारे में तो।